धरसाना में बजरंग दल ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फूंका पुतला। कर्नाटक में बैन की बात पर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश। कांग्रेस की ओर से कर्नाटक चुनाव में जारी किए गए घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का मामले को लेकर धरसाना में भारी आक्रोश नजर आया। धरसाना में बजरंग दल के अध्यक्ष मदन गैदर के नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की शव यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री की शव यात्रा हनुमान मंदिर से होते हुए बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए निकली। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं में अशोक गहलोत मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारों के साथ रोटरी चौक पर अशोक गहलोत का पुतला फूंका गया। इस मौके पर वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहन शर्मा, डॉक्टर राजेश गौड़, बीजेपी नेता अविनाश डाबी, युवा नेता नरसी नायक, देव वर्मा, बाबू गैदर सहित भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने ताली बजाकर कांग्रेस सरकार की जमकर निंदा की। राजस्थान के सीएम जिनकी शव यात्रा निकाली गई है, वे इसके साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्या पूरा मामला? देखिए, कर्नाटक सरकार में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बजरंग दल और साथ में PFY ऐसे करके कोई मुस्लिम संगठन है, दोनों को हम बैन करेंगे। किसी के साथ राजस्थान की कैबिनेट और अशोक गहलोत का भी ऐसा बयान आया है कि अगर हम दोबारा राजस्थान में आते हैं या अभी हम विचार कर रहे हैं बजरंग दल को राजस्थान में बैन कर दिया जाए, तो इसी विरोध में हम लोगों ने आज अशोक गहलोत का पुतला दहन किया है और सरकार को चेताने का प्रयास किया है, जगाने का प्रयास किया है। अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाने का प्रयास किया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए भी आप तैयार रहे। इसी के साथ मैं कांग्रेस सरकार की दुर्भावना पे आपको बताना चाहूँगा रमेश जी, पहले ये श्री राम को काल्पनिक बताते थे, श्री राम के विरोध में बहुत सी बातें इन लोगों ने बोली आज तक, अब श्री हनुमान जी पे इन लोगों ने बोलना शुरू किया है। ये कांग्रेस सरकार हमेशा हिंदू विरोधी सरकार रही है और इसीलिए हम लोग हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आज इसका पुतला दहन हम लोगों ने किया है। कांग्रेस सरकार को जताने का प्रयास हम लोगों ने किया है। आपका भाई बाबूलाल केशव को अच्छा बजरंग दल पुरानी में देगा। मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो बजरंग दल है ये गौ सेवा के लिए और हिंदुओं के हित के लिए बना है, पर इसको बैन करने के लिए कांग्रेस सरकार आज बहुत सालों से प्रयास कर रही है और अब कर्नाटक के अंदर बैन करने का ऐलान कर दिया गया है और राजस्थान के अंदर भी बैन करने का बोल रहे हैं, पर ये सरकार आज तक पहले हमारे श्री राम भगवान के विरुद्ध रुकी थी, श्री राम मंदिर के विरुद्ध रुकी थी, आज हमारे बजरंगियों के भी विरुद्ध रुकी है और इसको बजरंग दल को ये एक आतंकवाद हिंसा छोड़ रहे हैं, पर हमारा बजरंग दल का ऐसा कोई मुद्दा नहीं होता है, क्योंकि हमारा बजरंग दल का एक कार्य होता है जो एक बहुत सारा कार्य होता है और हिंदुओं के हित के अंदर कार्य करना होता है और एक साधु संतों की सुरक्षा के लिए होता है। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि कोई भी भाई इस तरीके की कहीं भी घटना होती है, एक साथ हिंदुओं का हम जातिवाद के अंदर न बंट के एक हिंदुओं के हित में एक हिंदू बन के हम सभी एकजुट होंगे तो ही हमारा ये श्री राम भगवान का ये बजरंग दल का हम कार्य करने आगे बढ़ा सकते हैं, गौ सेवा को बढ़ा सकते हैं, गौ रक्षा जैसे गौ हत्या होती है तो उनको हम बचा सकते हैं। नहीं तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगे हमारा कार्य इस तरीके से कर रही है, आए दिन कुछ ना कुछ हमारे को बयान दे रही है, इस तरीके से अगर आगे होता रहा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना तो हम गौ सेवा कर पाएंगे, हम अपने खुद को नहीं बचा पाएंगे अगर हम जातियों में बंट गए तो। जय श्री राम, जय गौ माता। मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, वह अशोक गहलोत की शव यात्रा निकाली है, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला इस प्रकार से है कि कर्नाटक चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर ये बयान जारी किया है कि वहाँ बजरंग दल को बैन किया जाएगा। मैं ऐसी कांग्रेसियों की और जहाँ जहाँ इनके कांग्रेसी अपना वर्चस्व रखते हैं उन सबकी प्रदर्शना करता हूँ कि सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, जो कि सदैव हिंदू के रक्षा की बात करते हैं, गो माता के रक्षा की बात करते हैं, साधु सन्यासियों की रक्षा की बात करते हैं और देश में धर्म को स्थापना का काम करते हैं, ऐसे दल के विरोध में कांग्रेस सरकार के जो नुमाइंदे हैं और राजस्थान सरकार के जो मंत्री हैं, जिसकी जो घोषणा कर रहे हैं कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, इसको लेकर के संपूर्ण भारतवर्ष में आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं
कार्यकर्ताओं ने शोक के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। ऐसी कांग्रेस सरकार और ऐसे ही इनकी सोच, हम उसकी प्रदर्शना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। पूरा मामला ये है कि कर्नाटक में जो अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में ये कहा गया कि अगर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनती है तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। उसी की तर्ज पर जहां जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां, जैसे अपने राजस्थान के अंदर गहलोत कैबिनेट की तरफ से ये बयानबाजी आ रही है कि हम लोग बजरंग दल को बैन करेंगे, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि पूर्व में रावण ने बजरंगबली से पंगा लिया था और अपनी पूरी लंका को ध्वस्त करवा लिया, लंका दहन करवा लिया। हम भी इनको कहना चाहते हैं कि आप लोग बजरंग दल से ये पंगा न लें, अन्यथा आपकी जो ये कांग्रेस जहाँ भी शासन कर रही है यह धराशायी हो जाएगी। और मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि है फुस पटाखे मगर खुद को बम बताएंगे, है फुस पटाखे खुद को मगर बम बताएंगे, ये मर्दों की तरह खुलकर मैदान में तो मिले, मर्दानगी क्या होती है ये हम बताएंगे। जय श्री राम, जय बजरंग दल।